ये कहानी तीन भाइयों के गिर्द घूमती है जो हर पल हर दम लड़ते झगड़ते रहते हैं। इत्तफाक नाम की तो कोई चीज उनमें है ही नहीं। चलें देखते हैं इस कहानी में उनका ये लड़ाई झगड़ा उनको किस मुकाम पर लेकर जाता है। जब तक ये बूढ़ा हमारा बाप नहीं मरेगा उस वक्त तक हमें कुछ नहीं मिल सकेगा। पता नहीं सारी जायदाद कहाँ छुपा रखी है, हमें तो कुछ अंदाजा भी नहीं। ये कुछ मरेगा जब तो फिर ही कुछ मिलेगा ना, इसके मरने से हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं सारा खजाना कहाँ छुपाया हुआ है, देने का नाम नहीं ले रहा है ये बूढ़ा। तो मरता क्यों नहीं, हम यहाँ डर डर के मर गए हैं और इनको नींद की पड़ी हुई है। हमारे बाबू राजा की जायदाद का हमें कुछ अंदाजा होता तो हम अभी तक वो ही हासिल कर लेते। मेरा पुत्र, ओए पानी का गिलास ले। चलो छोड़ो यार पानी का गिलास। मैं इन तीनों का क्या करूं, इन तीनों ने तो एक दूसरे का जीना हराम कर देता। ये तीनों हर टाइम आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे भी मारने की सलाह मशवरे में। इन तीनों के इत्तफाक के लिए मुझे कुछ करना होगा। ऐ परवरदिगारे आलम मेरी मदद कर, मैं इन तीनों के लिए कुछ करूँ। बुड्ढे बुड्ढे तू किधर जा रहा है? किधर जा रहे हो? कब्र में जा रहा होगा, और कहाँ जाना है इतने? हमें कुछ ना देना। ओ मेरे ओ बच्चे ओ मेरी गाल सुनो। क्या सुनाए तुम्हारे हाल? सारी उम्र तुमने कुछ दिया हमें? तुहानू पैसा चाहिए ना, तुहानू खान ले उदान ले रुपया चाहिए ना। मुनू पता है ए पैसा ए जायदाद सब कुछ तुहाडा हक है, तो दो ना। आओ आज मेरे नाल, आओ मेरे नाल। तुहानू मुनू पता है तुहानू सारियां नू पैसा चाहिए, ते तुहाडी खातिर सिर्फ ऐस गलों के तुसी लड़ो ना। मैं ते वेग मेरा पुत्र, तू भी बड़ा सोना पुत्र है मेरा, सुन मेरी गल। तू भी अब्बा जी अगे चलो अगे। आहो मैं जा रहा पुत्र, तेनू पता है मेरा वक्त भी कोल आ चुका, मैं किसे भी पल जा सकना वा। मैं अपनी जिंदगी दी सारी कमाई सेंट सेबेस्टियन दे गार्डन च, उदा लिंक एड्रेस है www.youtube.com/wahab27h, उते थले छुपाया गया है। दे निशानी अस्ते मैं उते एक वॉलीबॉल दा नेट भी लाया गया। वॉलीबॉल दा नेट? हाँ, उते लब लियो जाके ते मेरा भरा अपने एस पे उस पे दुआ। बाबा ते बड़ा सियाना निकलिया। बस पुत्र जो तुहाडी आरदी औलाद है ते फिर सियाणा बनना ही पैंदा। चलो बाबा जी। चलो बाबा जी। ए परवरदिगारे आलम मैं हुन अपनी जिम्मेदारी तो फारग हो गया, हुन तू मैनू चुक लै, मेरा ईमान पुख्ता है, मैं तेरे को लान लई तैयार हाँ। ए खुदा मैनू चुक लै। ये वो तीन भाई हैं जिन्होंने कभी कोई काम इत्तफाक से नहीं किया था, मगर जैसे ही उनके वालिद साहब ने उन्हें कहा कि सारा खजाना जमीन में दफन है, तो तीनों भाइयों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खुद का बुड्ढा मर गया, हमें एक पता भी नहीं बता के गया जायदाद में। ये हम तो झूठ बोल के गया यहाँ पैसे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या करके गया? ये बुड्ढा खुद मर गया और हमें कुछ नहीं देके गया। पता ही बता देता जायदाद का, अब इसका क्या करें, जितनी खुदाई की। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वो तीनों भाई मायूस होकर चले गए। कुछ अरसा बाद बारिशें शुरू हो गई और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता जरहेज होना शुरू हो गई और वो तीनों भाई दिनों में ही मालदार हो गए। अनस, हमने अपने बाप के साथ बहुत ज्यादती की है,
हम तो सारी उम्र उसकी गलत समझ से रहे। तो ये थी वो जायदाद जिसकी पूरी जिंदगी वो बातें करता रहा, हमें समझ ही ना आई। उसने हमें कितना अच्छा हम तीनों को आपस में जोड़ दिया है। बिल्कुल यार, वो तो पाक में ही बरकत है। हम समझ नहीं पाए अपने बाप को पूरी जिंदगी। देखा इत्तफाक में कितनी बरकत है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो बरकत ही बरकत है। सो द मोरल इज दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।